हर रोज़ गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ ज़िंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। हर कोई फिट होना चाहता है, लेकिन शायद फिटनेस की रियल डेफिनेशन हम में से बहुत से लोग नहीं जानते। खुद को फिटनेस के लिए मोटिवेट कैसे रखा जा सकता है, इसे जानने से पहले ये जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली फिटनेस होती क्या है। कोई कितना फिट है या नहीं, इसका एनालाइजेशन हम किसी की बॉडी शेप को देख कर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई स्लिम है तो वो फिट है, और अगर ओवरवेट है तो फिट नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। एक्चुअली बॉडी की लुक फिटनेस का सही मापदंड नहीं है। किसी की बॉडी कैसी दिखती है, ये देखने वाले की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। फिटनेस और गुड हेल्थ सिर्फ एक लुक नहीं बल्कि मेंटेलिटी है। जस्ट चेंज योर थॉट्स एंड योर व्यूज़ विल बी चेंज। एंड याद रखें, जब तक हम अपनी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, हमारी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकती। फिटनेस और गुड हेल्थ में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। कोई भी इंसान फिट है या नहीं, इसका अंदाज़ा उसकी एनर्जी और वो कितना एक्टिव है उसे देखकर लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि स्लिम ट्रिम लोग फिट ही होते हैं। बहुत बार देखा गया है कि कोई स्लिम है पर एक्टिव या एनर्जेटिक नहीं, और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो ओवरवेट बट बहुत ही एनर्जेटिक हैं। किसी भी फिजिकल काम को करना उनके लिए ज़रा भी मुश्किल नहीं। इसी तरह से कोई कितना हेल्दी है, ये भी हम किसी की बॉडी शेप को देख कर नहीं बता सकते। ये पता करने के लिए कि आप हेल्दी हैं या नहीं, अपनी इम्यूनिटी चेक करें। आप इंटरनली कितने स्ट्रांग हैं, ये पता चलता है जब आप जल्दी जल्दी बीमार ना हों, और अगर कभी हो भी जाएं तो बिना मेडिसिंस के आपकी बॉडी रिकवर करे। चेक करें कि ईयर में कितनी बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर वंस इन अ ईयर जाते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज डू समथिंग टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी। कल क्या होगा मुझे पता नहीं और जानना भी नहीं, बट आज मैं खुद को एक्टिव और बहुत ही स्ट्रांग महसूस करती हूँ। कितने साल पहले डॉक्टर के पास गई थी याद नहीं, और इसका क्रेडिट अपनी सेल्फ केयर की हैबिट को ही दूंगी। बी स्ट्रांग नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। 20s और 30s की एज में मेरे लिए स्लिम होना ही फिटनेस था, लेकिन फिटनेस का रियल मीनिंग अब समझ आ रहा है जब एज बढ़ती जा रही है और साथ में मेरी एनर्जी भी। खुद को फिट रखने के लिए मोटिवेट करें, स्लिम रखने के लिए नहीं। सो आस्क योरसेल्फ व्हाई यू वांट टू बी फिट, जस्ट टू लुक गुड और टू बी एक्टिव और एनर्जेटिक ऑल द टाइम। डू नॉट केयर व्हाट पीपल थिंक ऑफ योर बॉडी। फिटनेस का रियल मीनिंग वेट लूज करना नहीं है बल्कि फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना है। जब आपका गोल फिटनेस बन जाएगा तो वेट लॉस तो आपको साइड इफेक्ट्स में मिल जाएगा। आप एक्टिव हैं तो फिजिकली फिट हैं, और मेंटली फिट हैं या नहीं ये पता चलता है हमारे फेस की स्माइल से, हमारे बिहेवियर से, और सिचुएशन को हैंडल करने के हमारे तरीके से। सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर कि फिटनेस क्या है। चलिए अब देखते हैं कि खुद को मोटिवेट कैसे रख सकते हैं। उसके लिए भी खुद से पूछें कि आपके फिटनेस गोल्स क्या हैं, आप क्यों फिट होना चाहते हैं। गोल्स एक डिसीज फ्री बॉडी हो या फिर एनर्जेटिक बॉडी, और या फिर बात सिर्फ वेट कम या ज़्यादा करने की हो, बिना एफर्ट्स के पॉसिबल नहीं। इसलिए मैं हमेशा सेल्फ केयर पर जोर देती हूँ। उसके लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स का होना सबसे पहले काम करता है। बहुत से ऐसे फूड हैं जो बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं, और अगर आपके कुकिंग स्किल्स अच्छे हैं तो बात ही क्या। दूसरी तरफ ऐसे फूड्स जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो होती ही है और हमारे सिस्टम को हार्म करने के साथ साथ ये हमें लेजी भी बनाते हैं, लाइक फ्राइड और जंक फूड। अगर इन्हें खाने से खुशी मिलती ही है तो खा लें, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि राइट ईटिंग हैबिट फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है टुवर्ड्स अ हेल्दी लाइफ। आपका ब्रेकफास्ट हमेशा ही फुल ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने दिन की शुरुआत कार्बोहाइड्रेट से ही करते हैं, यानी कि डेली बस रोटी परांठा, जबकि फाइबर और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट आपको लॉन्ग आवर्स तक फुल रखने के साथ साथ ज़्यादा एक्टिव भी रखता है। अपने सामने अपने फिटनेस गोल्स रखें एंड मोटिवेट योर सेल्फ फॉर हेल्दी ईटिंग। खुद के माइंड पे कंट्रोल रखें, बॉडी कंट्रोल में ही रहेगी, क्योंकि विदाउट सिग्नल ऑफ माइंड बॉडी कैनॉट इवन मूव। सेकेंड स्टेप टू रीच योर गोल्स इज एक्सरसाइज, बट किसी तरह का कोई भी वर्कआउट करने के लिए खुद को फोर्स ना करें, क्योंकि जिस चीज़ में आप इंजॉयमेंट फील नहीं करते हैं वो आप फॉर एवर कर भी नहीं सकते। So choose any physical activity which you enjoy the most. It can be even Bollywood dance, Western dance, Punjabi bhangra or any other dance form which you like the most. Koi bhi workout kitna bhi achha ho, lekin aapke liye achha aur valuable sirf wohi hai jise karne ke liye aap excited hote hain. Baki sab waste hai.
फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए आपके पास अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, ऐसे ही मेंटल एक्टिविटी के लिए भी चॉइसेस की कमी नहीं है. चॉइस हाउ टू फील, हाउ टू इंजॉय एंड हाउ टू बी हैप्पी. स्पेंड योर टाइम, एनर्जी एंड मनी ऑन योर हेल्थ. क्योंकि जब कभी हम कहते हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो हम खुद से ही झूठ बोल रहे होते हैं. क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि अगर एक बार हेल्थ खराब हो गई तो हमारे पास टाइम ही टाइम होगा. दुनिया भर के जिन कामों को करने के लिए अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करते हैं, हेल्थ खराब होने पर वही काम हमारे सामने होते हैं और सिवाय उन्हें देखते रहने के हम कुछ नहीं कर पाते. ट्राई टू स्टार्ट योर डे विद फ्रेश मॉर्निंग. और इसके लिए बेस्ट होगा कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, ना सिर्फ घर के काम या एक्सरसाइज करने के लिए, बट टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, टू सी द सनराइज. कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में कभी सनराइज नहीं देखा होगा. ये नेचुरल ब्यूटीज हमारे माइंड को एनर्जाइज और स्ट्रेस फ्री रखती हैं. फुल एनर्जी के साथ अपने गोल्स को पाने के लिए ट्राई करें, बट डोंट बॉदर इफ यू फेल टू रीच योर गोल्स, क्योंकि फेलियर्स आर टोटली नॉर्मल. ये हमें लाइफ लेसन्स देते हैं टू मूव ऑन. ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन. मैं हेल्दी खाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, बिकॉज आई लव माई बॉडी. नेचर ने जो बॉडी मुझे दी है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड आई लव माई सेल्फ एज आई एम. बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बट कोशिश करते रहना हमारे ही हाथ में होता है. डिसीज़ फ्री लाइफ जीने का सपना देखें और उसे फुलफिल करने के लिए एफर्ट करते रहें. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन ना खाएं. छोटे मोटे फ्लू बॉडी खुद ही रिकवर करती है. हेडेक हो तो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिएं और डीप ब्रीथ करें. टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी बॉडी को बिना मेडिसिन के ठीक होने की हैबिट हो जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी. हम बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं जैसे ही स्ट्रांग फील करना शुरू करते हैं. पेन को बर्दाश्त करना सीखें. डोंट ओनली विश अ हेल्दी और अ फिट बॉडी, बट पुश थ्रू द चैलेंजेस. बी कॉन्फिडेंट, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ एंड बी योर बिगेस्ट फैन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.